बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं शफ़ात करूँगा और सबसे पहले मेरी शफ़ात कबूल की जाएगी। कोई धोखेबाज, कोई बखील, कोई एहसान जताने वाला और कोई बद अखलाक जन्नत में दाखिल ना होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन बयान करते हैं कि एक बूढ़ा आया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मिलना चाहता था। लोगों ने इसे रास्ता देने में देर की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर मेहरबानी ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। अल्लाहु अकबर। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। सब्सक्राइब भी कर